बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू नदाज नोट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन व्हिच इज कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले। कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले जो है वो आपका का जो है लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 है, जो आपको कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले के बारे में बताता है। बेसिकली कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले क्या है कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें आपको जो अगर आपकी तरफ से पार्टी की तरफ से डिले है तो उसको कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टन केसेस। वो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले बेसिकली क्या है, कुछ केसेस में ये जो है वो एक्सटेंशन है जो भी प्रिस्क्राइब पीरियड दिया गया है उसकी। द पर्टिकुलर डिले हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 5। ये अगर देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर डिले है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन में। इट प्रेफर्ड अपील एंड एप्लीकेशन, और ये बेसिकली किस चीज से डील करता है आपका सेक्शन 5, अपील एंड एप्लीकेशन से, एंड डज नॉट इंक्लूड सूट, और इसमें सूट जो है वो इंक्लूड नहीं है। सेक्शन 5 की जो हेडिंग जो उसकी वर्डिंग है वो कहते हैं एनी अपील और एप्लीकेशन फॉर अ रिवीजन और अ रिव्यू ऑफ जजमेंट और फॉर लीव टू अपील और एनी अदर एप्लीकेशन टू विच दिस सेक्शन मे बी मेड एप्लीकेबल बाय और अंडर एनी एनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स मे बी एडमिटेड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब देयरफॉर। इसमें वो आपको बता रहे हैं कि कोई भी अपील, रिव्यू या रिवीजन या कोई और एप्लीकेशन जो है उसको कोर्ट जो है वो आपके एक सर्टन पीरियड के बाद भी एक्सेप्ट कर लेता है। और वो किस हालत में एक्सेप्ट करता है, जब व्हेन द एप्लांट और एप्लेंट एंड और एप्लीकेंट सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही हैड सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील और मेकिंग द एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड। जब भी जो एप्लांट होता है, एप्लीकेंट होता है या एप्लेंट होता है, वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि उसने जो भी एक सर्टन टाइम पीरियड था उसके अंदर वो एप्लीकेशन जो है वो क्यों फाइल नहीं की थी। और उसकी मेन कॉज क्या होती है, एक सफिशिएंट कॉज होती है उसके पास उस चीज को जस्टिफाई करने की कोर्ट ऑफ लॉ में, कि ये मेरी कॉज थी जिसकी वजह से अगर मेरे पास 10 डेज का टाइम था जो कि अब इलेप्स हो चुका है तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं आ सका, और अब 11वें दिन अगर मैं आ रहा हूँ और एप्लीकेशन दे रहा हूँ आपको, तो आप सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लें। What is considered sufficient cause? The continuation of delay in filing the appeal is not a matter of right for the aggrieved party. वो कह रहे हैं अगर देखा जाए तो ये जो continuation of delay है ये किसी भी पार्टी का राइट नहीं है, किसी भी aggrieved पार्टी का जो कि इससे मुतासिर हुई है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर दो पार्टी हैं किसी एक में, एक सूट में, तो इस ये नहीं कह सकते कि जो aggrieved पार्टी है ये उसका matter of right है या उसको matter of right claim कर सकती है। Only when the party can show sufficient cause then it is allowed to litigate its केस फर्दर। जब भी पार्टी ये शो कर देती है कि अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं आ सकी और उसकी एक सफिशिएंट कॉज थी, तो जो है कोर्ट उसको अलाउ करती है कि ओके आप जिस भी स्टेज में हैं तो आप अपने जो आपने केस अपना है उसको परसू कर सकते हैं। द एक्सप्रेशन सफिशिएंट कॉज इज फ्लेक्सिबल इनफ सो एज टू एनेबल द कोर्ट टू अप्लाई द लॉ इन अ जस्ट मैनर। वो कह रहे हैं कि अगर ये टर्म जो सफिशिएंट कॉज है वो उसको देखा जाए तो ये इतनी फ्लेक्सिबल है कि ये कोर्ट को इस काबिल बनाती है कि वो लॉ को एक जस्ट तरीके से जो है वो अप्लाई कर सके। अब आप कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपके जो लिमिटेशन एक्ट है उसमें एक आपकी हर एक एप्लीकेशन की, रिव्यू की, रिवीजन की, हर एक सूट की जो है एक सर्टन उसका टाइम लिमिट दिया गया है कि अगर वो उस टाइम में आप कोर्ट ऑफ लॉ में आते हो तो आप अपने सूट को परसू कर सकते हो। और जैसे सेक्शन 3 जो है हमने देखा था, अगर आप उसके बाद आ रहे हो तो आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी रिव्यू पिटीशन है, आपके सूट हैं, वो डिसमिस हो जाएंगे। लेकिन ये सेक्शन 5 अब आपका क्या कह रहा है, वो आपको कह रहा है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन, अपनी अपील, अपने रिव्यू और रिवीजन के लिए सर्टन पीरियड के बाद भी कोर्ट ऑफ लॉ में आते हो तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और जब कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है और देखता है कि आपके पास सफिशिएंट कॉज थी, तो वो आपको जो है आप वहाँ उस स्टेज से अपने सूट को, अपने केस को परसू कर सकती हो। बट ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो सेक्शन 5 है वो सूट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।